बाहर से दो साल वहाँ आके नाइन्थ, और उसके बाद जो है क्या है, आने के बाद दो साल से मुझे परेशान कर रहे, बच्चियाँ की शादियाँ कर दिया, घर मेरा था मैं बेच दिया, परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं परेशान? घर वाले हमारे, बीवी बच्चे, रहीमा बीवी बच्चे मिलके परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं परेशान आपको? जबरदस्ती कर रहे हैं, दामा था वो पूरे घर में रख लिए लोग, उन लोगों को पूरों को जमा कर लिए 10-15 साल से, उनकी अम्मा बहना भाया दामा था वो ये सब चले, तो हमारे भाया उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, उन भाइयों को भी उनके ऊपर किरदार है, उनके ऊपर जा रहे हैं, चिटिंग करे वो करे ये करे, और हमारे देश का चमटा ना जहाँ बेचारे भूत जो है तो क्या है काफ़ी करे, अच्छा है शुक्रिया अदा करते हैं उनका। क्या हुआ आप यहाँ आके कंप्लेंट देने की वजह क्या है आप? कंप्लेंट रात में हमारी बीवी जो है तो अटैक करी, हमारे दूसरी बीवी आया था मैं फिसल बंडे से, वहाँ से आए थे लोग घर पे चले गए, लाइट बंद थी उस टाइम मुझे उठ कर दी। कहाँ है आपका मकान? कहाँ है? ये मिल्लत नगर। अच्छा, मास मस्जिद, मिल्लत नगर मास मस्जिद जी। किस वजह से करे अटैक? ये अटैक करे बस ज़बरदस्ती है लोग, ऐसा ज़बरदस्ती से आके करे ये घर के बारे में क्यों बेचे क्या है, पहले वो लोग मालूम है घर बेच रहे थे 10-15 साल से, उन्होंने घर बेचना है बेचना है, जब बेच दिए खर्चा हो गया, 4-3 बच्चियाँ के शादियाँ करे, बच्चे की शादी करे, उसमें जो है तो घर बेच दिए, उल्टा भाइयों के ऊपर हम तो पैसा डाल रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं अभी? अब मैं चाह रहा हूँ हुकूमत से कि इंसाफ चंदन गुप्ता से इंसाफ होना मेरे को, पर जो जो हमला करे उनके नाम क्या है? बच्चे उनके मोहम्मद राजा इमरान यासर, वो दुकान चला था किराने की, यासर आरी, ये लोग मिलके बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शेख रद्दाक है मेरा नाम। एज क्या रहती है आपकी? 58 है। तो आप कितने साल के बाद बाहर से काम पे थे आप? मैं ओमान में था। कितने साल के बाद आने के बाद आपको टॉर्चर शुरू हुआ? अभी आने के बाद 2 साल के बाद, 1 साल के बाद से ज़्यादा शुरू कर दिए लोग, पूरे लोगों को भर लिए, भाई घर में क्यों ऐसा रखिए घर में, तुम्हें लोगों को भर के बोले तो सुन रहे नहीं, वो लोग मेरे को वो कर देते ये कर देते, उठा के फेंक देते, चाकू मार देते, उनसे सीधे बात कर रहे मेरे। कब हुआ फर्स्ट टाइम आप पिताजी ये हमला? नहीं इससे पहले कई दिन छोटे छोटे चल रहे थे, लेकिन अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया जानने वाले मान लो। और दामद है हमारा, वो दुकान चला रखा गया हूँ मैं, कुछ भी कर लेता हूँ दुकान में चला लेता हूँ, उनको सुन रहा नहीं, मैं करता हूँ वो करता हूँ वो करता हूँ, परेशान कर रहा उन लोग। तो कोई गाली गलौज वगैरह कोई धमकी वगैरह का कुछ ऐसा क्या भी दे रहे? फिर रहा है गाड़ियाँ ले लेके, कभी इधर पीछे से मेरे घर के बाहर बोले मार देती, उनको फिरा देती, अम्मा उनकी बोलती दर्दना काट डालती, वो कर देती ये कर देते, रहीमा हमारी दीदी वो लोग की मार कर तंग करके छोड़ दिए। ठीक है, यही चाह रहा हूँ मैं, इंसाफ चाहिए हुकूमत। ठीक है, होगा तो हुकूमत जिम्मेदार है, हमारी फैमिली जिम्मेदार है, मेरे को अगर कुछ होगा जान का मेरे हो जान को धोखा हो रहा है, क्यों चाकुआ वो लेके फिरते गौड़े किस्म के बच्चे पूरे रिकॉर्डिंग में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? और ऐसा 8-8 बजे आए लोग मारने, छह जने मारने आए, और मैं गेट खुला था समझो, घुस के गेट करने चले गए, गेट करने जाने के बाद झाँक के तो हाथ पकड़ के खींचे, खींचने के बाद और गेट को लेके बहुत लच्छा था, अड़े को लेके खींच लिए, अब वो खींचे बुरा या नहीं मान जी। हमला करने वाले कौन थे? उनकी बेटियाँ हैं, बेटियाँ हैं, माँ है, छह जने हैं उन, और वो खींचे तो हमारे बच्ची क्या करी खींच लिया, खींच लेके गेट लगा दिए लोग, और आधा घंटा लोगों बहुत गालियाँ फुकार वे करे, मतलब जान बचाने कैसे कि लगा दिए लोग गेट, हमारे भी सही थे, अब हाई बस से कुछ भी हो जाएगा बोले ऐसा करे। ये पहली बार हुआ आप लोगों से? इससे पहले पहली बार हुआ, उन लोग ऐसा ही लोग हमेशा बोलते हम लोगों से कहीं जाते नहीं आते, उनके नाम को भी ले जाते, शादी होते रहे बच्ची 6-25 साल की, अब ये मुस्लिम दे रहे लोग। आप लोग क्या करें पीएस को आगे क्या करें? पीएस में आके लिखे पीएस में आके आप लोग क्या चाह रहे हैं? तारे भाई हमारे हमारे घर पे नहीं आना,
हमारे भाई के घर में रह रहे हम लोग, किराए से रह रहे हमारे भाई के लिए। अब हमारे भाई ऐसा कह रहे किराया देकर रह रहे हम लोग, अगर हमारे भाई निकाल दिए तो हमारा कहाँ जाना। हाँ बोलोगा तो हकाल दिए, एक साल हुआ हकाल के, हम कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे कहाँ है ना, अब मैं कहने आए अब क्या हम तो हकाल ले सकते ना। अब उनके जबरदस्ती ये लड़ रहे कर रहे, अब उनके शौहर मिल रहे हैं सब कर रहे बात कर रहे, अब उनकी उनकी उनके घर की बात है, हम लोग तो बीच में नहीं है। हम जेठी माई हमारी वो उनके घर के तरफ से हो रहा, उनका उनका घर है भाई, उनका घर कहाँ है सभी नहीं मालूम, उनका घर कहाँ है लोग किधर गली में कुछ नहीं मालूम। हम हमारे जगह रहे हम लोग जाते नहीं आते नहीं मालूम तो नहीं है। तो मियाँ बीबी कुछ है वो घर का क्या खिस्सा है, आधा दियो एक दियो पूरा दियो ऐसा चल रहा, हम लोगों का कोई दखल भी नहीं है ना। हमारे घर को आके ऐसा हमला कर रहे हो लोग, आपको क्या काम आ रहे हैं अपनी बाड़ी पे ऐसा हाथ को गर्दन पे। कहाँ पर है आपका घर? लिल्लत नगर। अभी कौन सा बीएस में कंप्लेंट करें आप लोग? राजेंद्र नगर में मोहम्मद आरिफ और शेख खाजा दोनों ये केसेस में हमारे चोरी के केस में आए करे हुए हैं, और जो है सो परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, और जो है सो मार देते कहते वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग। शेख खाजा राजेंद्र नगर में उनका चोरी के केस में फंसे हुए हैं, हमारे भाई की गाड़ी फंसा दिए थे, और आरिफ ये दोनों मिलके दामाद हमारा, और जो है सो और मेरा पासपोर्ट वगैरह ये लोग जो है सो रख लिए हुए, आईडी प्रूफ आप पूरे मेरे लोग रख लिए घर पे, रानू घड़ी है पासपोर्ट है और जो है सो ये वो चीज़ा सब रख लिए मैंने। एक जोड़े कपड़े से निकल गए, एक जोड़े कपड़े से निकल गया मैं, निकाल दिए मेरे को, निकलो या करें तो उठा के फेंक देते वो, शर्ट फट गया, शर्ट फाड़ दिए मेरा, ऊपर से नीचे फेंक देते बोल के बोल रहे बच्चे। गुजारिश कर रहा हूँ पुलिस से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनके ऊपर एक्शन लो, ये लोग जो है तो बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को, हमारे भाइयों को भी परेशान कर रहे हैं लोग, मेरी जान को भी धोखा है, तो ये लोग जिम्मेदार।